सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर ज्ञान पर। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए NHM की एक और नई भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एक बार फिर से नया नोटिस जारी कर दिया है, जिसके तहत वे यहाँ पर बम्पर भर्ती करने जा रहे हैं। 9407 खाली पद हैं जिनको भरने के लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। 10वीं 12वीं पास, डिग्री धारक, डिप्लोमा धारक, सभी कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पोस्ट वाइज आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया की वैकेंसीज हैं, आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट जल्दी से इस भर्ती के लिए फॉर्म भरकर सबमिट कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के अंतर्गत ये भर्ती होने जा रही है। पोस्ट के नाम है समन्वयक स्वास्थ्य, कंप्यूटर अनुदेशक, समन्वयक PCPNDT, समन्वयक प्रोग्राम, समन्वयक IEC, क्लिनिकल अभिलेख सहायक, लेखा सहायक, ब्लॉक आशा पर्यवेक्षक और PHC आशा पर्यवेक्षक। इन पदों के लिए यहाँ पर 9407 वैकेंसीज हैं जिनको भरने के लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट का कम से कम 10वीं या फिर 12वीं क्लास पास होना जरूरी है या फिर उनके पास कोई ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। आयु सीमा आपके 18 से 42 साल के बीच में रखी गई है। सैलरी आपको 5200 से 39100 के बीच में प्रोवाइड करा दी जाएगी। फीस आप कैटेगरी वाइज जमा करा सकते हो, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹150 फीस का अमाउंट तय किया गया है, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹50। ये फीस का अमाउंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है rajswasthya.nic.in। जॉब लोकेशन राजस्थान है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती की सभी डेट्स जल्द ही घोषित कर दी जाएंगी। अब हम आपको इस भर्ती की ऑफिशियल न्यूज़ दिखा दें। जी हां दोस्तों, यहां पर फिर से होगी एक साल पहले रोकी 9407 पदों पर भर्ती। स्वास्थ्य विभाग 9 संवर्ग के पदों पर की जाएगी यहां पर भर्तियां। इस ऑफिशियल न्यूज में से भी आप इस भर्ती से रिलेटेड डिटेल चेक कर सकते हो। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF को ओपन करके पूरी डिटेल आप उसमें से रीड कर सकते हो। प्लस यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी प्रोवाइड कराया गया है, जिसके माध्यम से आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पर आपके लिए ऐसी ही बिग गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।